सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून, वेलकम टू मिस बहन ममाज ब्लॉग्स। तो गाइस, आज जुमा है, आप सभी को सेकेंड रमजान का जुमा मुबारक। होप कि आप सबके रमजान बहुत अच्छे जा रहे रहेंगे और सब अपने अपने रोजे प्रॉपर मेंटेन रखे रहेंगे। और आज जुमा है तो गाइस जाइए, जुमा की नमाज पढ़िए, हमारे लिए दुआ कीजिए और प्लीज 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 फिलिस्तीन और गाजा के लिए भी दुआ कीजिए। और चलो मैं चलता हूँ नमाज पढ़ने के लिए। और आज बहुत ही भीड़ रहेगी नमाज पढ़ने के लिए क्योंकि बहुत लोग आते हैं और मेरी दो जमात छूट चुकी है, तीसरी जमात है। तो फटाफट मैं जाता हूँ नमाज पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ के मिलता हूँ। सो गाइस, फाइनली मैं नमाज पढ़ के आ गया था और मैं बहुत ज़्यादा एकदम थक गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी और एकदम मतलब ऐसा था कि आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना अच्छा मंजर था माशाल्लाह। गाइस, मैं अभी उठ के असर की नमाज भी पढ़ लिया हूँ और यहाँ पर हो रही है हमारी तैयारी। और ये तैयारी क्या हो रही है, आज क्या स्पेशल बन रहा है मुझे नहीं मालूम है। यहाँ पर मिसबा से ही पूछ लेते हैं कि मिसबा क्या स्पेशल बन रहा है। मिसबा, आज कोई स्पेशल है? Yes. क्या स्पेशल है आज? तुम्हारे लिए मैं बना रही हूँ खट्टे आलू। मेरे लिए खट्टे आलू? और मैं बना रही हूँ चिकन मलाई टिक्का। तो और रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ चिकन मलाई टिक्का की। खट्टे आलू की रेसिपी? खट्टे आलू की रेसिपी शायद पहले दी हुई है, नहीं दी हुई तो मैं इंशाल्लाह जरूर दूंगी। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर मैसेज कीजिए। तो गाइस, मैं आपको खट्टे आलू दिखा देता हूँ। नहीं, खट्टे आलू नहीं है। फिर क्या है? खट्टे आलू अभी उबल रहे। उबल रहे? अच्छा, ये तो मैं साथ ही साथ अभी शाम के लिए खाना बना रही हूँ। ओके, ये क्या बन रहे? तो इसके अंदर आलू क्यों है? मैं आलू के साथ खाना चाहती हूँ। वाह वाह वाह। तो गाइस, इसके अंदर चिकन के अंदर आलू डाल के मिसबा खाती है, जो मुझे चिकन के अंदर आलू बिल्कुल पसंद नहीं है। और गाइस, मेरे लिए बन गया है खट्टे आलू। और खट्टे आलू आपने खाया रहेगा तो आपने, मैं तो बहुत खाया हूँ बचपन में। एक रुपए के चार आलू मिलते थे। हाँ, मुँह में पानी आ गया है, रोजा मकड़ू हो जाएगा। तो गाइस, आपको खट्टे आलू की रेसिपी चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको खट्टे आलू की रेसिपी चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगी। और आज हमारे पास बन रही है चिकन मलाई टिक्का। यस राइट। तो गाइस, चिकन मलाई टिक्का की रेसिपी आपको दी जाएगी और आई होप कि जो भी आपको रेसिपी दी जा रही है आप बना के अफ्तार में खा रहे हो। तो आप जैसी अफ्तार में बना के खा रहे हो तो आपको कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके बताइए, तो हमें भी पता चले कि उसके अंदर और कुछ तो नहीं गड़बड़ घोटाला हो रहा है। तो आज ये रेसिपी आपको मिलेगी मिसबा। एक्चुअली ये जो चिकन मलाई टिक्का है, ये मैं फॉइल में बनाती हूं, तो आप इसको फॉइल चिकन मलाई टिक्का भी बोल सकते हो। फॉइल मलाई टिक्का, अरे एकदम वो वाला अंग्रेजी वर्ड था यार। ये तो देखो, मैं रेसिपी स्टार्ट कर रही हूँ अभी, यहाँ अभी डिस्टर्ब मत करो जरा भी। तो मैंने ले लिया है, सबसे पहले तो मैंने ले लिया है चिकन बोनलेस, और आप हड्डी वाला भी ले सकते हो आप चाहो तो। मैंने बोनलेस लिया है और उसको ना ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काटना है हमको, एकदम छोटू छोटू से पॉपकॉर्न के साइज के। और उसमें मैं डाल रही हूँ एक, अभी ये तो मैंने लिया है पाव किलो चिकन। और गाइज, यही मेरे लिए बहुत दिक्कत होती है क्योंकि हम सिर्फ दो लोग होते हैं तो बहुत कम बनाना पड़ता है, और हमेशा से पहले से आदत थी ज़्यादा चीज़ों में बनाने की। तो अभी कम के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ, आप जैसे क्वांटिटी डबल करोगे हर चीज़ डबल कर देना। तो आप देख सकते हैं मैंने ले लिया है चिकन, इसका पानी मैंने अच्छे से निकाल दिया है, और इसमें मैं डालूँगी 1.5 टेबल स्पून दही। तो इसमें आपने डालना है हरी मिर्ची का पेस्ट अपने हिसाब से, और हरी मिर्ची का पेस्ट डालने के बाद इसमें डालना है थोड़ा सा वाइट पेपर, और देख सकते हो एकदम थोड़ा सा वाइट पेपर डालना है। और की इंग्रेडिएंट हर चिकन के लिए आपको पता है क्या होता है, वो है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और इंशाल्लाह ट्राई करूंगी अब से कि मैं बाहर से ना लाऊं। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून भर के, और इसको विनेगर भी लगा दीजिए थोड़ा अगर आप चाहते हो तो। मैं नींबू लगा रही हूँ तो मैं आज विनेगर नहीं लगा रही हूँ, विनेगर भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना आपने डाल दिया अदरक लहसुन हरी मिर्ची दही, और उसमें डालूंगी मैं फ्रेश क्रीम थोड़ी सी, और देख सकते हो ज़्यादा नहीं डालना है, अभी ये पाव किलो है तो इसमें मैं समझ लो 1 टेबल स्पून के हिसाब से डाल रही हूँ। इसमें मैं डालूंगी नमक, और बस इसको मैरिनेट करके रख दूंगी। बहुत ही ईजी रेसिपी है, मैरिनेट करके नमक ले लेती हूँ गाइस, और नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। मुझे एकदम कैमरे की तरह घुमा क्यों रही है तू? तो अभी तुम कुछ काम करोगे तो ये काम तो करना पड़ेगा ना पगले। पूरा मुंह चेहरा एकदम कैमरा ढक लेती हो तुम। तो गाइस, ये देख सकते हो आप लोग ने, मैंने नमक वगैरह लगा दिया है। अब इसको मैरिनेट कर दूंगी अच्छे से अपने हाथों से, और इसको मैं मैरिनेट करने के बाद
इसमें एक और स्टेप है, मैरिनेट करने के बाद मतलब बटर अभी पिघलने रखा है तो इसमें आप थोड़ा सा बटर डाल दीजिए। अगर बटर नहीं डाल पाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑयल भी थोड़ा सा डाल सकते हो, लेकिन बटर का बेहतरीन टेस्ट आने वाला है। तो गाइज ये मैरिनेट हो चुका है, इसको थोड़ा सा फ्रिज में रख देते हैं और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। तब तक आलू की मैं तैयारी कर देती हूँ गाइज, क्योंकि इफ्तारी का टाइम होने ही वाला है बिल्कुल। और मामा तुमको चिकन ज्यादा पसंद है आलू? मुझे दोनों पसंद है, चिकन में मतलब आलू में मेरे को ये जो आप तुमने बनाया है ना कच्चे आलू, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं बचपन से खाता हूँ मुझे बहुत, और घर में भी जब रहता था गाइस तो जब मेरी छुट्टी रहती थी तो मैं अपनी मम्मी को खास कर बोलता था कि अम्मी कांदे की भजिया और आलू मेरे लिए जरूर बनाना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए अफ्तारी में। कांदे की भजिया नहीं बनती तो ऐसे ही होता है गाइस मेरे साथ, एक चीज अच्छी बनती है एक चीज मेरे लिए नहीं बनती। अगर बोलो तो बना दूंगी। तो बना दो ना थोड़ा सा, ठीक है? तुमको चार भजिया तो बनाना रहता है, तुम चार ही खाते हो तो चार ही बनेगा ना। तो गाइस चलो मिस भाभी अपनी ये कहाँ रख रहे हो अभी तुम? अभी मैं इसको फ्रिज में मैरिनेट करके रख देती हूँ। ओके मिस भाभी जब तक मैरिनेट करने रखी है चिकन, मैं तो कुछ दूसरा काम कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा काम है तो मैं बिस्तर बिछा लेता हूँ। तो चलो गाइस मैं थोड़ा ठंडा ठंडा पानी रख लेता हूँ बाहर, खजूर वजूर बाहर रख लेता हूँ, फ्रूट्स काट लेता हूँ, और टाइम है तो वही तो बोल रहा हूँ 15-20 मिनट बाकी है तो फ्रूट्स काट लेता हूँ और फटाफट। सो गाइज आई एम बैक, और ये रहा मेरा कौन सा आलू यार, खट्टा आलू, और ये मेरा खट्टा आलू रहा। और मिसबा ये अंकल ने वो लेके आया वाटरमेलन, हाँ देखिए। सो गाइज ये हम लोग स्टार्ट हो गया भाई, और ये क्या हो रहा है? ये तो रात का खाना बन रहा है, ये रात का खाना बन रहा है। ये रहा मेरा खट्टा आलू। तो और जो हम रेसिपी दे रहे वो किधर गई? वो भी रेडी होने वाली है बस। बस वो भी रेडी होने वाली, जल्दी जल्दी रेडी करो ओके, नहीं तो मालूम पड़ा इधर ही वजू हुए। ज़्यादा टाइम नहीं मिला उसको मैरिनेट करके रखने का। गाइस आप सुबह से मैरिनेट करके रखोगे तो बहुत ही उम्दा और बेहतरीन वापस से बोला बेहतरीन। मैं रेडी हो चुकी हूँ रेसिपी कंटिन्यू करने के लिए, और पहले मैंने फ्राइंग पैन में डालना है थोड़ा सा तेल, देख लो आप लोग, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा तेल डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे पूरा चिकन, मतलब मेरे मैंने तो कम है, आप दो राउंड में डाल दीजिए। तेल अभी अच्छा लुचलुचा होने लग गया है पूरा, मैं तो मसाले के साथ ही डाल दूंगी क्योंकि मसाले का ही तो फ्लेवर है आखिरकार, है ना। तो इसको हल्का मैं दे दूंगी पहले अच्छे से, और बता रही तुम तो एकदम तुमको मुंह में पानी आ गया क्या? हाँ पानी नहीं आया, रोजा रखूँगा समझ रहे हो, और थोड़ा ढक के पकूंगी अभी मैं ताकि ये फटाफट गल जाए, समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हम लोग। तो ये ढक कर पकने के बाद आपको मिलती है। हाँ समझ रहे, वेरी गुड, समझ गए हम लोग। यस तो गाइस समझ गए आप लोग? हाँ तो समझाओ, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा चम्मच कहाँ गया भाई, ये देखो। तो ये जब हम डालेंगे ना फ्राइंग पैन में तो ये ऐसा लिक्विड बन जाएगा, तो ये लिक्विड थोड़ा ड्राई होने तक हम फास्ट पर बनाएंगे। तब तक मैंने स्लो पर बना लिया था ताकि मेरा चिकन अच्छे से वो हो जाए, क्या हो जाए, मैरिनेट। हाँ मैरिनेट नहीं, ये पक जाए, पक जाए, ये पका नहीं अभी, अलग पक गया है, अभी इसका पानी सुखाना मुझे, और टिश्यू पेपर डाल दे सूख जाएगा। नहीं, और जब तक पानी सूख रहा है तब तक मैं आपको आइडिया बताऊंगी कि मैं इसको कैसा करती हूँ, और एक सेकंड रुक जाइए। ये है मेरा मेन नुस्खा, और उसके लिए मैंने लेना है फॉइल पेपर, बहुत रिस्क का काम है, आराम से करिएगा। और जैसे ही फॉइल पेपर ले लिया, बहुत रिस्क का काम है, आराम से क्या करिएगा? मैं जो बताने वाली हूँ ये मेरा तोड़ता है मेन, अच्छा ये मेन चीज है, समझ रहे हो? तो ये जैसे थोड़ा थोड़ा ड्राई होने लगेगा हम क्या करेंगे, सब चिकन है ना फॉइल के अंदर डाल देंगे विद ग्रेवी, समझ रहे हो, पूरा एक साथ। ये अभी कम है ना, आप दो राउंड में तीन राउंड में थोड़ा थोड़ा करके इसको डाल दीजिए, और जैसे ही इसमें चला गया है अभी क्या करने का, अब इसको मैं करूँगी अच्छे से फोल्ड, अच्छे से हाँ पूरा अच्छे तरीके से इसको फोल्ड कर लीजिए, फिर
गैस चालू कीजिए और गैस के पर इसको रखकर ऑयल के ऊपर दम करना है। ठीक है, गैस के ऊपर रख दी, जल जाएगा ना वो नीचे से, तो वही तो थोड़ा सा बहुत फ्लेवर आएगा। इस ये ना इतना रिस्की इसीलिए क्योंकि ना इसको अलट पलट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा इसको सब पकाएंगे। तो गाइस नए स्टाइल में हमारा बन रहा है फॉइल चिकन, फॉइल चिकन मलाई बोटी। जो तू तो धंधा शुरू कर दिया क्या, बहुत ही यम्मी बनने वाला है यकीन मानो। मतलब इसमें आप कोयले का भाप भी दे सकते हो, लेकिन कोयले के भाप से बेहतर टेस्ट ये देगा। एक बार जरूर ट्राई करना, मुझे जरूर बताना। जब ये मैं अपने घर बनाती थी ना, मम्मी बहुत चिल्लाती थी गैस खराब हो जाएगा, लिक्विड नीचे गिर जाएगा। लेकिन अभी अपना घर है ना, तो ध्यान से वो भी अपना ही घर था। हाँ, लेकिन अभी मतलब अभी जिम्मेदारी हो जाती है ना शादी के बाद, एकदम ध्यान से। हाँ गाइस, क्योंकि फॉइल आग भी पकड़ लेता है, तो एकदम खतरों के खिलाड़ी में खेलने वाली बात हो गई। हाँ, अच्छा टेस्ट खाना है तो थोड़ा खतरों के खिलाड़ी करना पड़ता है। कितना टाइम लगेगा हमें जोर बनने के लिए? दो मिनट रेडी हो चुका है। अब मैं आपको मिलती हूँ इफ्तारी के दस्तरखान पर। वाओ, दस्तरखान पे मिलोगे? यस। तो गाइस ये रेडी हो चुका है, अब हम मिलते हैं इफ्तारी के दस्तरखान पर। चलो। तो गाइज मोहम्मद भाई के घर के लिए प्लेट बन चुकी है और मामा यहाँ दुआ पढ़ने बैठ गए हैं। मैं भी प्लेट देकर आती हूँ फटाफट और मैं भी बैठ जाती हूँ ताकि दस्तर पे बैठ के दुआ कर सके। तो गाइज चलते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ा टाइम में। गाइज फाइनली हम लोग अफ्तारी करने बैठ चुके हैं और अफ्तारी कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ मिसबा को इसके अंदर क्या है खोल के बता तो सही। सबसे खोल रही हूँ वीडियो तो लो, मेरी वीडियो तो लो। तो ये रहा नीचे, जल गया ना नहीं फॉइल चिकन, इसी में से निकाल कर मैंने आगे पास कर दिया है। और अब ये मैं आपको पहले मैं खुद टेस्ट करके बताऊंगी। ये जल नहीं गया है, ये मेन फ्लेवर है। क्या हो गया? मसाला वैसा ही लगना चाहिए। मिसबा तुम्हारा हाथ इतना बड़ा है ना कि कितना भी चिकन है ना कुछ दिखता नहीं है। अभी दिख रहा है? नहीं अभी। हाँ तो गाइस ये रहा चिकन और इसको टेस्ट करेंगे। बहुत वेरी नाइस। पक्का खाते हो? मैं खा सकता हूँ। तो क्यों डालती? अच्छा तो मतलब खा सकते हैं? बहुत मस्त। पक्का ना? तो गाइस आप लोग भी खा सकते हो, तो प्लीज आप जाइए कल ही बनाइए। और उसको क्या बोलते हैं, फॉइल मलाई, फॉइल मलाई, फॉइल मलाई टिक्का चिकन, फॉइल मलाई टिक्का चिकन जो भी है गाइस, मगर बहुत अच्छा है। ओके, डर मत जाना, गैस में रख देना तो। और मम्मी बना रही है तो आप बना सकते हो, और आप बना रहे हो और आपकी मम्मी देख रही हो चिल्ला रही है तो वरना टेंशन मत लो, बन जाएगा।